नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जानते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख में राहु मिथुन राशि में, सिंह राशि में मंगल है, सूर्य कन्या राशि के हो चुके हैं, बुध और शुक्र के साथ सहयोग कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में गुरु हैं और धनु राशि में शनि अभी भी वक्री हैं, केतु के साथ संयोग कर रहे हैं और चंद्रमा मेष राशि के हैं। अच्छी स्थिति है। शुरुआत करते हैं राशिफल। मेष राशि की स्थिति एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। नायक नायिका की भात चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हर दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम समय है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहिए वो उपलब्ध है, अच्छा जीवन है। वृषभ राशि, नेत्र विकार संभव है, खर्च की अधिकता है, कर्ज की स्थिति आ सकती है, तो थोड़ा सा खर्चे पे अंकुश लगाइए और फालतू की चीजें मत सोचिए। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है, संतान पक्ष से कुछ लाभ मिल रहा है, कुल मिलाकर के एक सुखद स्थिति है, यात्रा का भी योग बन रहा है। कर्क राशि, शासन सत्ता पक्ष का पूरा पूरा सहयोग रहेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे और कोर्ट कचहरी में विजय, राजनीतिक लाभ, कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी स्थिति। सिंह राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे, मंदिर भी जा सकते हैं और धार्मिक स्थलों का आप यात्रा कर सकते हैं, अच्छी स्थिति। कन्या राशि, कन्या राशि में सूर्य अभी अभी आए हैं, बुध और शुक्र के साथ सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा रुआब में आ जाएंगे, थोड़े रौबीले हो जाएंगे, लेकिन इस ऊर्जा का सही जगह पे इस्तेमाल करिएगा, इरिटेशन मत बढ़ाइएगा, इरिटेशन पे काबू रखिएगा। बाकी हर दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम समय है और कुछ सरकार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, सरकारी कामकाज कुछ होंगे आप। तुला राशि, थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो गई क्योंकि अभी आपके लग्नेश और भाग्येश द्वादश भाव में चल रहे थे, सूर्य भी द्वादश भाव में आ गए, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रोजी रोजगार में भी बढ़ोतरी हो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी, बहुत ज्यादा इन दिनों हर तरह के लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वो भी हिमाकत नहीं कर पाएंगे और स्वयं नतमस्तक होंगे, तो एक अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है। धनुराशि, धनुराशि की स्थिति भावनाओं में बहने वाली है, लेकिन शासन सत्ता पक्ष पूरा सुधर चुका है, राजनीतिक लाभ भी संकेत में आ चुके हैं, थोड़ा सा भावनाओं पर काबू रखिए, बस इतना करिए, आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर राशि, घरेलू स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन जो सूर्य की स्थिति गड़बड़ थी उनका पूरा आशीर्वाद मिलने लगा, मतलब शासन सत्ता पक्ष से आपको लाभ मिलने लगा, बाकी हर दृष्टिकोण से ठीक है। घर में थोड़ा सा तुतु मैमे की स्थिति बताने दीजिएगा। कुंभ राशि, जो आपने सोच रखा है उसको पूरी तरीके से लागू करिए, अच्छी स्थिति है, सरकारी तंत्र से मत भिड़िएगा और वो थोड़ा सा बच के पार करिएगा, बाकी बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। मीन राशि, जीवन साथी के लिए बड़ा अच्छा समय है, नौकरी चाकरी हो सकती है, वो कुछ तरक्की कर सकते हैं, हर दृष्टिकोण से उत्तम समय आ चुका है और थोड़ा सा आप अपने वाणी को कंट्रोल करके चलिएगा, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्कार।